दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। सपना गौरव दिवस की 6 महान गलतियां। मंच पर भाजपा पार्षद क्यों नहीं बैठे? आदिवासी नेता का सीएम शिवराज की मौजूदगी में इतना अपमान। शिवराज सांसद के घर खाना खाने क्यों गए? प्रशासन ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें क्यों इतना हाईलाइट होने दिया? महापौर विकास का हिसाब 5 सालों बाद देंगे, मगर नाच गाना अभी से। शिवराज विकास विकास क्यों बोलते रह गए? आइए सभी मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं। सतना नगर निगम में 45 पार्षद हैं, जिसमें 22 पार्षद भाजपा के हैं, मगर सीएम शिवराज की उपस्थिति के बावजूद सतना गौरव दिवस के कार्यक्रम में 36 पार्षद नदारद, यानी कुल 9 पार्षद ही इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। एयरपोर्ट पर सीएम से कुछ पार्षद अलग से मिले जरूर, मगर कार्यक्रम स्थल बीटीआई मैदान पर यह भाजपा पार्षद नहीं पहुंचे। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक दिन पहले सतना गौरव दिवस के टाउन हॉल में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में इन भाजपाई पार्षदों को मंच से नीचे उतारकर छोटे महापौर को बैठाया गया था मंच पे। छोटे महापौर यानी महापौर के पुत्र। नगर निगम के कार्यक्रम में पार्षदों को मंच से नीचे उतारा जाए, इस घटना को कुछ पार्षद नहीं सहन कर पाए। उनका स्वाभिमान जिंदा रहा, उन्होंने सीएम के कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया। क्या भाजपा के बड़े नेता इस मामले को संज्ञान में लेंगे, या फिर आगामी किसी कार्यक्रम में 9 पार्षदों की संख्या को भी घटाए जाने की दिशा में काम करेंगे? क्योंकि अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। आदिवासियों का सम्मान करो, आदिवासियों के घरों पर खाना खाओ। 2023 के विधानसभा का चुनाव आदिवासी मतदाता ही जिताएंगे, ऐसी योजना भाजपा के शीर्ष नेता बनाकर चल रहे हैं। क्योंकि 2018 में आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में कांग्रेस की भारी जीत हुई थी और कमलनाथ की सरकार बनी थी। सतना में जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन कोल हैं और वह भाजपा से हैं, आदिवासी नेता हैं। सतना के गौरव दिवस कार्यक्रम में इस आदिवासी नेता को ना तो कोई प्रोटोकॉल मिला न मंच। यह आदिवासी नेता जिला पंचायत अध्यक्ष होते हुए भी मंच के सामने नीचे लगी कुर्सियों पर पत्रकारों के बीच जाकर बैठ गए। अब पहली लाइन में नीचे आदिवासी नेता राम खिलावन कोल के बैठ जाने के बाद किसी मंच के बड़े नेता की नजर उन पर पड़ी। मुझे ऐसा लगता है आदिवासी नेता के इतने अपमान से उनका मन नहीं भरा, तो मंच से घोषणा की गई कि जिला पंचायत अध्यक्ष मंच पर आकर बैठे। सीधे साधे आदिवासी नेता ने नीचे सामने की कुर्सी भी छोड़ दी और चल पड़े मंच की ओर। शायद अपमान की जो कसर बाकी रह गई थी वह पुलिस के लोगों ने पूरी कर दी। इस भाजपाई आदिवासी नेता को मंच पर नहीं जाने दिया गया। बाकी जो हुआ वह यह आदिवासी नेता ही बता पाएंगे। सवाल उठता है, किसी भी जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक रूप से इतना अपमान क्यों भाजपा में किया जाने लगा है? अभी कुछ दिनों पहले ही रामनगर में मंत्री राम खिलावन पटेल ने भी एक सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन कोल आदिवासी नेता को कोई तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि सड़क निर्माण के ठेकेदार को पूरे टाइम साथ में लिए रहे। आखिर यह दोहरा चरित्र क्यों? सीएम शिवराज ने पत्रकारों से बात करते हुए बार बार कहा सतना शहर अब विकास करेगा, मिलजुल कर विकास करेंगे, विकास होगा, विकास करेंगे, विकास दिखेगा, विकास होकर रहेगा। 18 सालों से शिवराज मुख्यमंत्री हैं, सतना में क्या विकास किया गया? एक भी विकास का नाम नहीं लिया सीएम ने।
बल्कि अब विकास होगा कहकर चलते बने। पूरा शहर अब सतना के विकास के लिए कमर कस चुका है, समाज के हर वर्ग के लोग निकले हैं, किया है कि हम अपनी तरफ से भी सतना को आगे बढ़ाएंगे और अपने नगर का गौरव हम और आगे ले जाएंगे, इसलिए सतना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कांग्रेसी पार्षदों और नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर सिटी कोतवाली में बैठाया। वजह बताई गई, सीएम को काले झंडे दिखाएंगे कांग्रेसी, मगर कांग्रेसी नेताओं की दूर दूर तक कोई विरोध करने की योजना ही नहीं थी, ना ही ऐसी कोई घोषणा कांग्रेसियों ने की थी। मैंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष मकसूद अहमद से पूछा तो उन्होंने मेरे से ही सवाल किया, कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया क्या है? मैं अभी जानकारी लेता हूं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम त्रिपाठी से मैंने बात की, उन्हें तो कोई घटनाक्रम की जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं है कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक अहम सवाल, अगर कांग्रेस की सरकार होती और भाजपाई नेताओं को पुलिस ने इसी तरह गिरफ्तार किया होता तो आधे घंटे में सिटी कोतवाली में 500 से अधिक भाजपाई नेता इकट्ठा हो चुके होते और कांग्रेसी नेता, इसी अंतर के कारण भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस घुटों में घुट रही है। सतना महापौर कहते हैं हमारे विकास का हिसाब 5 सालों बाद दिखेगा, चलिए मान लेते हैं, मगर नाच गाने के जश्न का विकास तो अभी से शुरू हो गया, पहले साल से ही। इस जश्न पर कितना खर्च किया गया, नगर निगम यह बताने में हजारों बहाने बनाएगा। वैसे महापौर ने मुख्यमंत्री से 2 मांगे की, एक और एनिकेट फिल्टर प्लांट देने की, दूसरी मेडिकल कॉलेज में ही अस्पताल खोले जाने की। आपको यह बता दें, यह दोनों योजनाएं पहले से ही कार्य कर रही हैं। जब जलावर्धन योजना बनी थी तभी दूसरे एनिकेट के बनाए जाने की योजना उसमें शामिल थी। मेडिकल कॉलेज के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्वीकृति शासन पहले ही दे चुका है, जमीन आरक्षित काफी समय पहले हो चुकी है, यह जबरदस्ती श्रेय लेने की होड़ कहा जा सकता है। सीएम शिवराज सपना सांसद के घर खाना खाने गए, इसके पहले सांसद अपने घर पर शायद ही कभी मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को खाना खिलाने के लिए बुलाते रहे, मगर सतना महापौर ने यह आदत सी बना ली थी, जो भी मंत्री मुख्यमंत्री सतना आए उन्हें खाना खाने अपने घर पर बुलाया। संभवतः अब खाने खिलाने की प्रतिस्पर्धा सतना में देखने को मिल सकती है। भविष्य में ऐसा ना हो कि एक के घर पर मंत्री बिस्कुट खाएं और दूसरे के घर पर चाय पिए। विकास के लिए आपको 5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। कैसी लगी यह खबर कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।